वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजी का। आज हम आपके लिए बालेवाड़ी लोकेशन से एक प्रीमियम न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले नए प्रोजेक्ट के अपडेट आपको इसी तरीके से मिलते रहे। नीचे आप जो फेसबुक और इंस्टा आईडी देख रहे हैं वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। इस लोकेशन को बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है बानेर, वाकड़, मुंबई बेंगलुरु हाईवे और बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट जैसी लोकेशन से। बालेवाड़ी बींग अ ऑलरेडी डेवलप्ड लोकेशन, स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, डेली ग्रोसरीज, ये सब आपको इन एंड अराउंड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 and 4.5 BHK के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 3 BHK का कारपेट एरिया है 1223 स्क्वायर फीट का एंड 4 BHK का कारपेट एरिया है 1585 स्क्वायर फीट का। प्राइसिंग हम आपको वीडियो के एंड में रिवील करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4.5 BHK के सैंपल फ्लैट का टूर। So, अभी हम देख रहे हैं 4.5 BHK के सैंपल फ्लैट को। इसका कारपेट एरिया है 1585 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पर आपको मिलता है वीडियो डोर फोन, साथ ही यहां पर आपको बायोमेट्रिक डिजिटल लॉक दिया गया है जिसको कि आप मल्टीपल वेज से एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आपको काफी प्रीमियम फिनिश का एंट्रेंस डोर दिया जा रहा है। डोर के एजेस मोल्डेड रहने वाले हैं, साथ ही यहां पर आपको रबर सीलिंग भी लगा के दिया जाएगा। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। तो अंदर आने के बाद में हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी जिसका साइज है 4.6 by 5.3 का, और इस एंट्रेंस लॉबी से हमें कंप्लीट प्रिवेसी मिल जाती है डोर पर आए हुए किसी भी विजिटर से। यहाँ पर आप चाहें तो अपना शू रैक का प्रोविजन कर सकते हैं या फिर इसको आप आर्टिफैक्ट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही आ जाता है हमारा लिविंग एरिया जिसका साइज है 17 by 12 का, और इसी से लगा हुआ हमें मिलता है हमारा 0.5 रूम जिसका साइज है 8.8 by 8 का। इसको आप एज अ हॉबी रूम, एंटरटेनमेंट रूम, पूजा स्पेस या फिर ऑफिस स्पेस के जैसे भी यूज कर सकते हैं। इस तरफ आता है हमारा लिविंग एरिया जहां पर आप कुछ इस तरीके से अपना सी शेप सोफा का प्रोविजन कर सकते हैं। बीच में आप चाहें तो अपनी सेंटर टेबल लगा सकते हैं और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जाएगा, जहां पर अपना एक बड़ा सा एलईडी यूनिट लगा सकते हैं। इसी से अटैच हमें मिलती है बालकनी, तो आ जाइए एक बार अपनी हम बालकनी को देख लेते हैं। सो यहाँ पर आती है हमारी स्पेशियस बालकनी, इसका साइज है 12 by 5 का, और ये बालकनी भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलेगी जिससे यहाँ पर भी आपको कंप्लीट प्रिवेसी मिलने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लार्ज साइज के हैवी ड्यूटी स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं जिससे आपको मैक्सिमम नॉइस कैंसिलेशन एंड ट्री डिडक्शन मिलने वाला है। साथ ही हमारे स्लाइडिंग डोर्स 50% तक ओपन होते हैं और यहाँ पर आपको मॉस्किटो के लिए मेस भी दिया गया है। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं वो हमारे वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स रहेंगे, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की मेटल फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है टफन ग्लास के साथ में, जहां से आप अपने बाहर के हाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। अगर अपने हम फ्लैट के लेआउट को देखें तो एक तरफ आपको मिलता है गेस्ट बेडरूम और दूसरी तरफ आपको मिलता है किचन, डाइनिंग एरिया और रेस्ट ऑफ द बेडरूम्स। तो आ जाइए सबसे पहले अपने हम गेस्ट बेडरूम को देख लेते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारा ह्यूमंगस गेस्ट बेडरूम जिसका साइज है 16 by 12 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक किंग साइज बेड और कॉर्नर टेबल लगाकर दिखाया गया है, और हमारे बेड के प्लेसमेंट को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको पावर पॉइंट भी दिए गए हैं। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। पीछे की तरफ आप जो विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। नीचे का पार्ट हमारा फिक्स रहेगा और ऊपर का पार्ट हमारा स्लाइडिंग रहने वाला है। इसी से अटैच हमें मिलता है हमारा वॉशरूम, तो आ जाइए एक बार अपने हम वॉशरूम को देख लेते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारा अटैच वॉशरूम जहां पर आपको एक प्रीमियम वॉश बेसिन दिया गया है बड़े से मार्बल फिनिश काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं। इस तरफ आता है हमारा वॉल बाउंड वाटर क्लोजेट, और यहाँ पर आपको बेडिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ पर मिलने वाले सीपी और सैनिटरी वेयर हमारे ग्रोहे और अमेरिकन स्टैंडर्ड ब्रांड के रहने वाले हैं। वॉल पर आप ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये भी काफी रिच एंड ग्लॉसी फिनिश वाले हैं जो कि आपको लेंटी हाइट तक मिलेंगे। ऊपर आप जो ग्रिड सीलिंग देख रहे हैं वो भी आपको एज इट इज मिलने वाला है। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहेंगे, और यहाँ पर आप ये जो विंडो है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा, साथ ही यहां पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जाएगा। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो
सो हमारे लिविंग एरिया से लगा हुआ हमें मिलता है ओपन किचन, जिसका साइज है 11x8.6 का, और यहाँ पर आपको एल शेप का मार्बल फिनिश काउंटर टॉप दिया गया है। अगर यहाँ पर अपने हम अरेंजमेंट्स को देखें तो इस तरफ आपको रेफ्रिजरेटर यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, इस तरफ आता है हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म, और हमारे किचन अप्लायंसेस को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको पावर पॉइंट भी दिए जाएंगे। इस तरफ आता है हमारा गैस स्टोव, और यहाँ पर आपको चिमनी का प्रोविजन करके दिया गया है, और यहाँ पर आ जाता है हमारा एसएस सिंक, जहाँ पर आपको दो मूवेबल टैप दिए गए हैं ड्रेनेज बोर्ड के साथ में, साथ ही यहाँ पर आपको वाटर प्यूरिफायर का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। और यहाँ पर आता है हमारा इनक्लोज ड्राई एरिया, जिसका साइज है 8.6x4.9 का, और यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन करके दिया जाएगा। आप यहाँ पर चाहें तो अपना डिश वॉशर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं वो हमारे एंटी स्किड रहेंगे, और इस तरफ आपको जो विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। हमारे किचन से लगा हुआ ही हमें मिलता है हमारा डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 12.9x10 का, और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक 4-सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। पीछे की तरफ आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना क्रॉकरी यूनिट भी प्लान कर सकते हैं। और हमारे डाइनिंग एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉश बेसिन दिया गया है मार्बल फिनिश काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना स्टोरेज भी बना सकते हैं। और इस तरफ आता है हमारा किड्स बेडरूम, तो आ जाइए एक बार अपने हम किड्स बेडरूम को देख लेते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारा किड्स बेडरूम, जिसका साइज है 12x10 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डबल बेड लगाकर दिखाया गया है। पीछे की तरफ आप ये जो विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। नीचे का पार्ट हमारा फिक्स रहेगा और ऊपर का पार्ट हमारा स्लाइडिंग रहने वाला है। किड्स बेडरूम के हिसाब से चाहें तो यहाँ पर आप अपना स्टडी टेबल का भी प्रोविजन कर सकते हैं। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जाएगा, और इस तरफ आप चाहें तो कुछ तरीके से अपना स्टोरेज भी बना सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। हमारे डाइनिंग एरिया से आगे बढ़ते जाता है हमारा कॉमन एरिया। मेरे राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम, हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स देखने को मिलेंगे। वॉल टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहने वाला है, तो आप इसको देखते हुए हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ आ जाइए। सो यहाँ पर आता है हमारा पहला मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 14x11 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डबल बेड और कॉर्नर टेबल लगाकर दिखाया गया है। इस तरफ आप ये जो लार्ज साइज विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, और इस तरफ आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक बड़ा सा वार्डरोब यूनिट प्लान कर सकते हैं। इसी से अटैच हमें मिलता है हमारा स्पेशियस मास्टर वॉशरूम, हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स देखने को मिलेंगे। वॉल टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहने वाला है, तो आप इसको देखते हुए हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ आ जाइए। और यहाँ पर आता है हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम, जहाँ पर आपको एंटर करते ही मिलता है अटैच वॉशरूम, हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स देखने को मिलेंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर आपको रेन शावर दिया जा रहा है, और वॉल टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहने वाला है। यहाँ से आगे बढ़ते ही आता है हमारा स्पेशियस मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 14x11 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको किंग साइज बेड लगाकर दिखाया गया है कॉर्नर टेबल के साथ में, और इस तरफ आपको जो एडिशनल विंडो दिए गए हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिलने वाला है। और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक बड़े से यूनिट का प्रोविजन कर सकते हैं। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, और इसी से अटैच हमें मिलती है बालकनी, तो आज एक बार अपनी हम बालकनी को देख लेते हैं। सो यहाँ पर आती है हमारी पर्सनल बालकनी, इसका साइज है 6.6x6.6 का, और हमारे रेगुलर बालकनी के जैसे ही ये भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है, जिससे यहाँ पर भी आपको कंप्लीट प्रिवेसी मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो लार्ज साइज के स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं वो हमारे वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स रहेंगे, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की मेटल फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है टफन ग्लास के साथ में, जहाँ से आप अपने बाहर के हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे।
अगर हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स को देखें तो 2 acres के लैंड पार्सल में 26 फ्लोर्स के 2 towers डेवलप किए जाएंगे और इसका पोजीशन है दिसंबर 2026 का। यहाँ पर आपको सारी प्रीमियम एंड लाइफस्टाइल एमिनिटीज देखने को मिलेगी इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। अगर हम प्राइसिंग को देखें तो 3 BHK स्टार्ट्स फ्रॉम 1.70 CR एंड 4.5 BHK स्टार्ट्स फ्रॉम 2.25 CR। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारे द्वारा दी गई सर्विसेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना ही यहाँ पर आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज अप्लीकेबल होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।